पहले 20 मिनट जो आपके उर्दू के पेपर के होंगे वो तो आपके मुरूजी में लग जाने हैं, और अगले 2 घंटा और 40 मिनट जो आपके पास होंगे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। और उस 2 घंटे 40 मिनट में आपने क्या करना है, आपने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है 2 घंटे 40 मिनट के अंदर, और आपने हर 6 मिनट के अंदर एक पेज लिखना है। तो क्या हमारी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमारा पूरा पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, ना आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, ना आपका खुलासा रह जाए, ना आपका ऐसे रह जाए मज़मून, कोई चीज ना रह जाए। तो करना क्या है आप सबने, सबसे पहले आप लोग अगर इस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हो तो आपके इंशाल्लाह हाई मार्क्स भी आएंगे, आपका पेपर भी पूरा होगा। तो सबसे पहले आपने देखना क्या है, 5 मिनट आपका 2 मिनट तो लग जाने हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्जिन लाइन लगाने में, मार्जिन लाइन दोनों साइड पे लगाते हैं हम लोग, उसको मार्जिन लाइन लगाने में आपको 2 मिनट लग जाने। नज़्म का खुलासा आपने करना है विद इन 5 मिनट्स, नज़्म का उन्वान, शायर का नाम, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है, खुलासा, और लिख देना है। 5 मिनट का ये काम करना है, ऐसा नहीं है कि मार्कर खोल रहे हो मार्कर बंद कर रहे हो आराम आराम से, ऐसा कुछ नहीं करना, स्पीड से सारा काम करना है, पेपर फिर होना उर्दू का, अदरवाइज रह जाना है 5 मिनट। तो हाँ भाई 5 मिनट ही है। अब आपको सर जी 5 मिनट में कौन सा खुलासा होता है, सर जी खुलासे की कौन सी कितनी लेंथ करेंगे हम लोग, उसके लिए मैंने अलग सी वीडियो बनाई हुई है कि किस क्वेश्चन की कौन सी लेंथ होनी चाहिए। लेकिन यहां मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। तो 5 मिनट के अंदर आपने अपना सबसे पहले क्या करना है, आपने खुलासा करना है, जब भी पेपर में करना है खुलासा नज्म का, तो 5 मिनट में आपने करना है। जो आपका लेटर होगा आपने 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, 10 मिनट आपके पास होंगे लेटर करने के लिए, लेकिन आपने 20 मिनट लेटर करने में लगा देने, मार्कर खोलने में लगा देना है, मार्कर बंद करने में, फिर पेन खोलना है, फिर बंद करना है उसको, ऐसा कुछ नहीं होना, आप गेम से बाहर हो जाओगे, सारे पेपर किए साइड पे, अगर आपका उर्दू का पेपर अच्छा ना हुआ तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए लेटर की, 10 मिनट आपने करना है। नज़्म के अशआर की तशरीह जो आपकी, नज़्म के अशआर की तशरीह आपने 25 मिनट में करनी है, 25 मिनट आपके पास होंगे नज़्म के अशआर की तशरीह करने के लिए, फिर भी नहीं आपसे होगी, फिर भी आप उसमें कोटेशन ऐड नहीं कर पाओगे, फिर भी क्या आप उसमें हवाला ज्यादा ऐड नहीं कर पाओगे। उसके बाद बात की जाए सबक के खुलासे की, तो सबक का खुलासा आपने 20 मिनट में करना है। नहीं सर जी, सबक का खुलासा कैसे 20 मिनट में होगा, ओ भाई हो जाएगा, आप अपने आपको टारगेट दे देकर लिखोगे ना जब, तो आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद जो नसर का पैराग्राफ की तशरीह होती है वो आपने 20 मिनट में करनी है, उसका सियाक सबक 10-12 लाइन का होता है, और उसका क्या ऊपर क्या लिखना है, सबक का उनवान, मुसन्नफ का नाम, और तशरीह शुरू का उसका सियाक सबक, ये तो आपका 2-3 मिनट का काम है सारा, ये जिसको आता हो, और बाकी सारा टाइम आपने जो आपके 20 मिनट में से 15 मिनट है आपने किस पर तशरीह पे लगाने, उस पर लिखो जो लिखना है आपने, जो जो चीज बयान करनी करो। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए गजल के अशआर, आप गजल के अशआर जो होते हैं उस पर आपने 33 मिनट्स लगाने हैं, आपके 3 अशआर होंगे गजल के, तो आपने 33 मिनट लगाने हैं, मतलब 10 मिनट एक शेर पे, 10 मिनट एक शेर पे, 10 मिनट एक शेर के ऊपर, और आपके जो 3 मिनट होंगे उसमें आप लिखोगे कि शायर का नाम, ठीक है, हेडिंग दे लोगे, सवाल नंबर, जो भी आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए ऐसे की, तो ऐसे आपने लास्ट पे करना 35 मिनट के अंदर, आधा घंटा और 5 मिनट ऊपर आपने इतना टाइम लगाना है पेपर करने में। अगर आप इतना टाइम लगाओगे 35 मिनट के अंदर आप कैसे भी नहीं कर पाओगे, क्या आप 10-12 पेजेस का ऐसे नहीं होगा, होगा। अगर आपको ये नहीं पता ऐसे की लेंथ कैसे करते हो तो मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी होगी या कर दूंगा, ठीक है, तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपने जो मजमून लिखना है उर्दू का उसके पेज 10-12 पेजेस कैसे करने हैं, समझ आ गई सब बच्चों को। तो 35 मिनट आपने इस पर लगाने, और आखिर में आपको 5 मिनट फिर भी बच जाएंगे, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर ये सारा फॉलो करते हो, 2 मिनट ये और 5 मिनट ये मैंने आपको रिजर्व रखे हुए हैं, 2 मिनट आपके मार्जिन लगाने के लिए और 5 मिनट आपको पेपर को चेक करने के लिए ताकि पेपर सही हुआ या नहीं हुआ। इस तरह से आप पेपर करोगे विद गारंटी विद श्योरिटी इंशाल्लाह आपका पेपर 100% प्रॉपर पूरे टाइम पे होगा, और टाइम से पहले आप उसको कंप्लीट कर लोगे। सब बच्चों ने बताना है, ठीक है, वीडियो कैसी लगी। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इसी के नीचे अगर हम देखते हैं तो ये हमने देखना है कि हमारा आइडियल अरेंजमेंट क्या होगी, हमारी कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। सर आपने बता दिया खुलासा इतने टाइम में करना है, सर तशरीह इस तरह करनी है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको अरेंजमेंट का पता ही नहीं है, किस क्वेश्चन को पहले करना है किसको बाद में करना है, इससे आपको फिर टाइम मैनेज नहीं होगा। तो यहां मैं आपके साथ अरेंजमेंट का शो करूंगा कि कौन सा पार्ट आपने पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। जो आपका ऐसे है वो सबसे लेंथी पार्ट है ना, उसको हमने लास्ट में करना है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी वो यही है कि आप पेपर को स्टार्ट करो तो शॉर्टेस्ट आंसर से स्टार्ट करो और कहां तक जाओ, सबसे लेंथी वाले के ऊपर। तो मैंने यहां पे आपको पना बनाया काम कर दिया हुआ है, लेकिन इसको शुरू करने से पहले आप सबने बताना है
एग्जाम्स कैसे हुए, हेल्प हुई या नहीं हुई, सब बच्चों ने कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू अच्छे से देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जब पेपर आपके पास आए सब्जेक्टिव पेपर, तो आपने नज़्म का खुलासा करना है, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्ट है आपका पेपर का, ठीक है। 5 मिनट में करना है, मैंने बताया हुआ सारा ऊपर बताया हुआ किसकी डेट में करना। उसके बाद आपने लेटर करना है, उसके बाद जब लेटर कर लो नज़्म खुलासा कर लो, उसके बाद आपने नज़्म के अशार की तशरीह करनी है, 2 शेर आपके पास आएंगे उनकी तशरीह करनी होती 20 मिनट में। उसके बाद सबक का खुलासा आपने करना है, सबक का खुलासा 15 मिनट के अंदर आपने करना है। उसके बाद जो है आपका नसर के पैराग्राफ की तशरीह करनी है, पैराग्राफ से आपको सबक वाली तशरीह उसको करनी है, ठीक है। मैंने उसको टाइम आपको दिया, काफी ज्यादा टाइम दिया हुआ है। उसके बाद गजल के 3 शेर होते हैं उनको करो, और लास्ट पे आप ऐसे करो, ऐसे के लिए 35 मिनट आपके पास होंगे। अगर आप ये अरेंजमेंट को फॉलो करते हो तो आपका पेपर 100% विद श्योरिटी विद गारंटी कंप्लीट होगा। समझ आ गई सब बच्चों को? आपका टीचर सामा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।